हाय गाइस, यू आर वेलकम। आई एम महेश यादव। गाइस, आखिरकार मैं आज आपके लिए क्लोज को पकड़ लाया। आप क्लोज के साक्षात दर्शन कर लोगे आज। जी हाँ, क्लोज एक बहुत ही डाउटफुल टॉपिक है। टीचर ने क्लास में 3 दिन पढ़ाया क्लोज। बाद में किसी बच्चे ने हाथ ऊपर करके पूछा कि सर प्लीज हमें दिखाएं कि क्लोज कैसा दिखता है, क्लोज क्या है। तो टीचर अपने बाल नोच सकता है कि भैया मैं तुझे 3 दिन से क्लोज ही तो पढ़ा रहा था, मैं कैसे बताऊं क्लोज क्या है। तो इस वीडियो में एक सेंटेंस क्या है, क्लोज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या है, मैन क्लोज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या है, एडवर्ब, मतलब सारे के सारे आपके जो भी डाउट है ना, सब के सब 100% क्लियर हो जाएंगे। और आज आपको क्लोज के, फिर मैं बोलूं, साक्षात दर्शन हो जाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए, एक एक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए सेंस, शब्दों का समूह जो अपना एक अर्थ दे, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, जिसमें एक वर्ब हो, ठीक है, एक सेंटेंस होता है। अच्छा, अब एक सेंटेंस क्लोज नहीं होता। कुछ टीचर क्या है कि क्लोज को सरल करने के लिए बोल देते हैं कि भाई एक सेंटेंस एक क्लोज है, ठीक है, और यहीं से वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है बच्चे के दिमाग में कि जब ये क्लोज है, जब ये सेंटेंस ही क्लोज है तो फिर इसका नाम क्लोज क्यों रखा, सेंटेंस से काम नहीं चल रहा था क्या, और वहीं से बस उसके दिमाग में डाउट शुरू हो जाता है। इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि एक सेंटेंस क्लोज नहीं होता। मोहन इज पुअर एक सेंटेंस है, एक क्लोज नहीं है। अब थोड़ा नीचे आ जाइए, मोहन, तो इसको मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, ठीक है। मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, सेम सेंटेंस यहां पे आ गया, मोहन इज पुअर, मोहन इज पुअर, बट ही इज हैप्पी। अब यहां पर ये मोहन इज पुअर है ना, एक क्लोज है, अब ये एक सेंटेंस नहीं है। तो थोड़ा आप पकड़ने की कोशिश कीजिए कि जो चीज यहाँ पे सेंटेंस थी, वहां पे यहाँ पे आगे क्लोज क्यों बनी, क्योंकि इसके साथ एक और सेंटेंस भी जुड़ा हुआ है। तो छोटी सी डेफिनेशन आप समझ लीजिए कि क्लोज तब होता है जब दो सेंटेंस होते हैं, यानी दो सेंटेंस जब किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। तो ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, मोहन फेल्ड एक सेंटेंस है, मोहन फेल हो गया, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह नहीं पढ़ा, ये भी एक सेंटेंस है। पर चूंकि यहां पे दो सेंटेंस है किसी कंजक्शन से जुड़ रहे, तो अब ये दोनों ही सेंटेंस नहीं है, क्या है, क्लोज है। तो ये भी एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है, ठीक है। ये सेंटेंस, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज। तो चलिए अब इनका नामकरण कर देते हैं कि भैया इनको बोलते कौन कौन से क्लोज हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि तो एक सेंटेंस था, ठीक है। सेंटेंस मतलब जब सिंगल सेंटेंस हो, उसके साथ कोई और सेंटेंस ना जुड़ा हो, एक ही सेंटेंस हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है। पर जब दो सेंटेंस जुड़े हो तो वो क्लोज कहलाते हैं। अब उनको बोलते क्या है, देखिए, तो क्लोज 3 प्रकार के होते हैं। मैन क्लोज, इसे हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं, स्वतंत्र वाक्य। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लोज और तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लोज फिर 3 प्रकार के होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एक को ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा कि आप कभी भी कैसे भी तुरंत पहचान जाओगे कि ये फला क्लोज है। जी हाँ, बस आप देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्लियर करते हैं मैन क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। आपने देखा मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, ठीक है। तो आपको पहले मैं मेरी वाली डेफिनेशन दे दूं जो आपको बहुत ईजी कर देगी कि देखिए, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों किसी कंजक्शन से तो हम क्लोज की चर्चा करते हैं, वो दोनों क्लोज होते हैं। पर उनमें से जिस सेंटेंस, जिस भाग में, जिस सेंटेंस में, जिस क्लोज में कोई भी कंजक्शन नहीं जुड़ा हो, बिना कंजक्शन के जो सेंटेंस होता है, जो क्लोज होता है, वो मैन क्लोज कहलाता है। हम इसे इंडिपेंडेंट क्लोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य होता है, ये अपने अर्थ को पूर्णतया देता है, ये अपने अर्थ के लिए किसी अन्य भाग पर, अन्य वाक्य पर निर्भर नहीं रहता। मैंने कहा मोहन इज पुअर, आपको एकदम से क्लियर हो गया, तो ये मैन क्लोज हुआ। और जो दूसरा है बट ही इज हैप्पी, ठीक है ना, ये सेंटेंस अपने आप में अधूरा है। अगर मैं आपसे कहूं एक ही सेंटेंस बोलू, मतलब केवल इसी को बोलता मैं कि बट ही इज हैप्पी, लेकिन वह खुश है, तो इससे कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई, कोई अर्थ हमारे सामने नहीं आया, आप डाउटफुल रह गए, ठीक है। तो जो दूसरा है ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन छोड़ के जा रहा हूं, उसको अभी 2 मिनट बाद क्लियर करूंगा, पहले आप थोड़ा आगे बढ़िए कि भाई चलो मैं बता देता हूं कि ये कोऑर्डिनेट क्यों लिखा, इसको सबऑर्डिनेट क्यों नहीं लिखा, इसको ही क्लियर करूंगा मैं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, मैंने कहा मोहन फेल्ड, मोहन फेल हो गया, ठीक है।
तो क्या मेरी पहली डेफिनेशन के अनुसार क्या इसमें कोई कंजक्शन लग रहा है? नहीं लग रहा, तो ये क्या हो गया, ये मैन क्लोज हो गया। और वैसे भी मैंने आपसे क्या कहा कि मोहन फेल हो गया था, तो ये आपको कोई बात समझ में आ गई, यानी ये इंडिपेंडेंट है, ये स्वतंत्र है, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन बिकॉज ही डिड नॉट रीड, मैंने कहा बिकॉज ही डिड नॉट रीड, सिर्फ यही सेंटेंस में बोलू कि क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, इसमें कोई भाव कोई सेंस नहीं आ रहा, यह अधूरा है। तो ध्यान रखना कि जो सबोर्डिनेट क्लोज होता है ना, वो मैन क्लोज से अपना अर्थ पूरा देता है, यानी इसको अपना अर्थ देने के लिए किसी एक सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, और जिस सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिस क्लोज की आवश्यकता पड़ती है, वो मैन क्लोज कहलाता है। तो ये हो गया सबोर्डिनेट क्लोज, ठीक है। अब जो डाउट मैं छोड़ गया उसको मैं क्लियर करता हूं कि ये जो जुड़ा हुआ सेंटेंस था, जो जुड़ा हुआ भाग था, जो जुड़ा हुआ क्लोज था, इसको तो मैंने सबकोऑर्डिनेट क्यों कहा और इसको मैंने सबऑर्डिनेट क्यों कहा? ये सारा जो मैटर है ये कंजक्शंस का है, यानी कि जिस भाग में कोई कोऑर्डिनेट, कंजक्शन दो प्रकार के हैं, कंजक्शन कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। जिस भाग में कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो वो तो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा, और जिस भाग में कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगा हो वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। अच्छा, जब हम क्लोज की चर्चा करते हैं ना, प्योर क्लोज की चर्चा, तब हम ज्यादातर कोऑर्डिनेट क्लोज की चर्चा नहीं करते हैं डिटेल में। डिटेल में चर्चा होती है सबऑर्डिनेट क्लोज की, और सबऑर्डिनेट क्लोज की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि तीन प्रकार के होते हैं और एग्जाम में भी यही आते हैं। मेन बात क्या है कि एग्जाम में यही आता है ये पार्ट सबऑर्डिनेट वाला, ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, तो अब आपके दिमाग में लगातार बताऊंगा इसको, चलता रहेगा ये, ठीक है। तो पहले मैं इसकी बीमारी खत्म कर दूं, बीमारी कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़े से कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिखा दूं। तो जिस पार्ट में भी वो उन कंजक्शन में से कोई लगा होगा, आप पहचान जाओगे कि ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, बाकी एग्जाम की दृष्टि से तो यही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कंजक्शन की झलक में दिखा दूं। एक बात मैंने आपको भी बताया कि जब हम क्लोज की चर्चा करते हैं, क्लोज टॉपिक का जब नाम आता है ना, तो कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। फिर भी मैंने आपका डाउट दूर करने के लिए यहां पर ये कुछ कंजक्शंस लिखे हैं। देखिए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहलाते हैं एंड, बोथ एंड, येट, बट, देयरफॉर, हाउएवर, नेवरदीलेस, एज वेल एज, सो और, आइदर और। ये सारे के सारे कंजक्शन जो आप देख रहे हो, ये कैसे कंजक्शन है? ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ठीक है। सेंटेंस के जिस पार्ट में, सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, दोनों ही क्लोज होंगे, तो जिस पार्ट में इनमें से कोई जुड़ा होगा वो कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। जैसे शी केम टू मी, वह मेरे पास आई, एंड आस्क्ड माय नेम, और मेरा नाम पूछा। तो इसमें से आप क्लियर करें दिस इज द मैन क्लोज, बिकॉज दिस इज द विदाउट एनी कंजक्शन, ये बिना किसी कंजक्शन के है, तो ये मैन क्लोज हुआ। एंड आस्क्ड माय नेम, व्हाट इज दिस, दिस इज द कोऑर्डिनेट क्लोज। आई डिड नॉट इनवाइट हिम, विदाउट कंजक्शन, मैन क्लोज। देयरफॉर ही डिड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आया, क्या हुआ, सबोर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट क्लोज। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है, क्योंकि इसमें कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा है, तो ये दोनों ही कैसे क्लोज हो गए, कोऑर्डिनेट क्लोज। बाकी मेन चर्चा है इनकी, नाउन क्लोज क्या है, एडजेक्टिव क्लोज क्या है, और एडवर्ब क्लोज क्या है, तो इनको अपन एक एक को ऐसे क्लियर करेंगे बिल्कुल बारीकी से कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और अभी आपका एक बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं आज, कि जब मैन क्लोज की चर्चा यहाँ पे हो रही है ना, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पहचानने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से हैं। तो ये सारे सबऑर्डिनेट, लगभग सारे तो नहीं कह सकते, पर जो मैन मैन है उनकी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। यानी कि जिस पार्ट में, जिस क्लोज में, जिस भाग में इनमें से कोई लगा हो वो क्या कहलाएगा, वो सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। तो इनको अपन थोड़ा देख लेते हैं, दैट की, What, जो, who, जो या जिसने, whose, जिसका, जिसकी, whom, जिसे, जिसको, which, जो या जो की, that, जो की। ध्यान रखना अंतर, ये that क्या था, की, और ये that क्या बोलेगा, जो, इसलिए मैंने दो लिए। where, जहां, wherever, जहां भी, when, जब, while, जिस समय, whenever, जब भी, as, जैसे ही, as soon as भी है, जो ही, जैसे ही, even if, चाहे भले ही, unless, जब तक नहीं, until, जब तक नहीं, so long as, जब तक, so as, इतना जितना, as, इतना जितना, then, जबकि, last, अन्यथा, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं पर ज्यादातर मैन ये हैं। तो मैंने आपको क्या पहचान बताया, आप उस बात को पकड़ने की कोशिश करो। आपकी क्लोज की बीमारी खत्म कर रहा हूं मैं आज, कि जिस सेंटेंस में, जिस क्लोज में, दो पार्ट में से जिस पार्ट में इनमें से कोई लगा हो वो क्या कहलाएगा,
वो सबोर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। और फिर वो कितने तरह के हो सकते हैं, वो तीन तरह के हो सकते हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसा दिखता है इसको भी आपको मैं आज दिखा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना आए। अब हम पहचानना सीखेंगे व्हाट इज ए नाउन क्लोज, व्हाट इज ए एडजेक्टिव क्लोज एंड व्हाट इज ए एडवर्ब क्लोज, ये दिखते कैसे हैं, इनको पहचाने कैसे। अच्छा, इनको पहचानना सीखने के बाद, अभी दो तो मैंने यहां पे ले लिए, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, तीसरे को जगह नहीं है उसको भी दिखा दूंगा। इनको देखने के बाद मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा या एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपका, देखिए होता क्या है कि आप इनको देख लोगे, ठीक है, थोड़ा पहचान जाओगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स रह जाएंगे मन में कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताकर जाऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, इनके बाद ही, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो क्लोज की जो टेंशन है, जो बीमारी है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। तो देखिए नाउन क्लोज क्या होता है, एक ऐसा क्लोज, एक सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा, वो वाला क्लोज जो सेंटेंस में नाउन की भांति कार्य करे। कुछ एग्जांपल लिए समझ लीजिए, दैट द अर्थ इज राउंड, की पृथ्वी गोल है, इज नॉन टू ऑल, सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है, ये सबके द्वारा जानी जाती है। तो की पृथ्वी गोल है, ये इस वर्ब के लिए, ये इस वर्ब का एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कैसा है, एक नाउन है, सब जानते हैं क्या, की पृथ्वी गोल है, तो की पृथ्वी गोल है पूरा का पूरा ये एक नाउन है और एक नाउन क्लोज है, ठीक है। नेक्स्ट, आई नो, मैं जानता हूं, दैट ही इज ए थीफ, मैं जानता हूं कि वह एक चोर है, ठीक है, तो मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, कि वह एक चोर है, ये पूरा एक साथ ही एक फ्रेज हो गया, ठीक है, एक क्लोज हो गया, नाउन क्लोज है, और यहां पर इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तीसरा, नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या किया जाना है, तो कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या ये एज ए ऑब्जेक्ट है और पूरा एक नाउन है, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लोज आ जाइए, एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, एक विशेषण, इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, यानी किसी नाउन की या प्रोनाउन की जो विशेषता दिखाए वो एक एडजेक्टिव होता है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनेगा, आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, जो इंग्लिश, जो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है, जो आसानी से इंग्लिश बोलता है। तो आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ये तो हो गया हमारा मैन क्लोज, और हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, तो आप वो डेफिनेशन तो मैंने पहले दे दी कि जिसमें कोई कंजक्शन लगा हो, ठीक है, वो सबोर्डिनेट क्लोज होगा, तो सबोर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ, ये। अब ये एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि ये इस बॉय की विशेषता दिखा रहा है, मैं एक लड़के से मिला जो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, लड़का कैसा था, लड़के की विशेषता है कि वह फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्लोज कैसा हुआ, एक एडजेक्टिव, एक विशेषता बताने वाला क्लोज हुआ, किसकी, इस बॉय की। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, विच इज वेरी फेथफुल, जो बहुत ही वफादार है, तो यहां पर कुत्ते की क्वालिटी क्या है, कि वह बहुत ही फेथफुल है। तो ये पूरा जो क्लोज हुआ ये इस डॉग की, इस नाउन की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या कहलाया ये, एडजेक्टिव क्लोज। दिस इज द विलेज, यह गांव है, वेयर आई वाज बॉर्न, जहां पे मैं पैदा हुआ था, तो दिस इज द विलेज, इस विलेज की जो विशेषता किसने बताई, इस विलेज की विशेषता क्या है, सॉरी, जहां मैं पैदा हुआ, उस गांव की विशेषता क्या है, जहां मैं पैदा हुआ। तो ये तो क्या हुआ, मैन क्लोज, और ये क्या हुआ, सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज में क्या हुआ, ये एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है। तो आई हैव ए डॉग क्या हुआ, एक मैन क्लोज, और ये क्या हुआ, सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज में चूंकि ये किसी की विशेषता दिखा रहा है, तो क्या हो गए, एडजेक्टिव क्लोज। आई मेट ए बॉय क्या हुआ, मैन क्लोज, और हु स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली क्या हुआ, सबोर्डिनेट क्लोज, और उसमें क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लोज। दैट द अर्थ इज राउंड क्या हुआ, दैट द अर्थ इज राउंड क्या है, मैन क्लोज है, सबोर्डिनेट क्लोज है, सबोर्डिनेट क्लोज है, और उसमें भी क्या है, एक नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें इज नॉन टू ऑल क्या बचा, मैन क्लोज। आई नो, मैं जानता हूं क्या है, मैन क्लोज। दैट ही इज ए थीफ क्या हुआ, सबोर्डिनेट क्लोज, उसमें भी कौन सा हुआ, नाउन क्लोज, क्योंकि एक नाउन है, ये इस वर्ब के लिए एक नाउन है, पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर माना इसकी पैसिव वॉइस बनाया तो पूरा ही उठ के इधर आएगा ये, इसलिए क्या हुआ, एक नाउन हुआ ये। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, व्हाट टू डू, क्या करना है, तो नो वन नोज क्या हुआ, मैन क्लोज। व्हाट टू डू क्या हुआ, सबोर्डिनेट क्लोज। सबोर्डिनेट क्लोज की पहचान तो मैंने आपको पहले बता दी कि जिस पार्ट में कोई कंजक्शन जुड़ा हो वो वाला क्या होगा, सबोर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है। और हमारा लास्ट है एडवर्ब क्लोज, ठीक है। एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब की विशेषता बताए वो एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा क्लोज जो वर्ब की विशेषता को बता रहा हो एडवर्ब क्लोज कहलाएगा। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई सा स्नेक, मैंने एक सांप देखा। तो सबसे पहले तो आप ये डिफाइन कर लो कि क्या मैन क्लोज है
और क्या सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो मैन क्लोज तो हुआ, चूंकि इसमें यहाँ पे कंजक्शन लग रहा है, तो क्या बचा, आई सा अ स्नेक, ये तो क्या हुआ हमारा मैन क्लोज, और ये क्या हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा है, ये एडवर्ब क्लोज, क्योंकि आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा, ठीक है। तो जो सांप वर्ब है देखना, उसकी उसकी विशेषता को क्या बता रहा है कि कब देखा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। तो यहाँ इस सा कब हुआ, जैसे ही दरवाजा खुला, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या कहलाया, एक एडवर्ब क्लोज। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव द हॉस्पिटल, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मैन क्लोज कौन सा हुआ, द पेशेंट हैड डाइड, और सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ, क्योंकि कंजक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है बिफोर से, तो बिफोर द डॉक्टर अराइव द हॉस्पिटल, ये हुआ हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। उसमें कौन सा है, ये एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज क्यों है, क्योंकि पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर, यानी ये जो वर्ब है कहीं ना कहीं ये इससे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, आप देखिए नाउन क्लोज के कंजक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दैट आता है ज्यादातर, दैट, हु, विच, वेयर, वैन, वाई, हाउ, ये ज्यादातर नाउन क्लोज में प्रयुक्त होते हैं। अच्छा आप आ जाइए एडजेक्टिव क्लोज में, एडजेक्टिव क्लोज में हु, हुज, हुम, विच, दैट, वेयर, वैन, व्हाट, ये ज्यादातर आते हैं किसमें, एडजेक्टिव क्लोज में। एडवर्ब क्लोज जो नौ प्रकार का होता है वो टाइम वाले, टाइम शोइंग होते हैं, रीजन शोइंग होते हैं, ऐसे, और कंडीशनल होता है कि इफ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ना, वो पूरी लिस्ट नहीं थी, उसमें बहुत सारे चीज नहीं थी, जैसे बिफोर आफ्टर नहीं था, ये अभी याद आया, एक इफ है वो नहीं है, बहुत सारे और भी हैं। तो आपको क्या करना है कि एडवर्ब क्लोज में जो जो कंजक्शन काम में आते हैं, ठीक है, एडवर्ब क्लोज जो नौ प्रकार के होते हैं उनकी लिस्ट को आप याद कर लीजिए, तो वो जिसमें जुड़े हों वो वाला कौन सा कहलाएगा, एडवर्ब क्लोज। दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, ही नेवर हेल्प्स द पुअर, वह कभी गरीबों की सहायता नहीं करता है, तो ही नेवर हेल्प्स द पुअर क्या हुआ हमारा, मैन क्लोज। चूंकि दो जो कंजक्शन है वो इसमें जुड़ा है, तो ये कौन सा हुआ हमारा, सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सा हुआ हमारा, एडवर्ब क्लोज। क्यों, क्योंकि इसमें जो कंजक्शन है ना वो एडवर्ब वाला लगा हुआ है, ठीक है। क्या लगा हुआ है, एडवर्ब वाला, ठीक है। तो एडवर्ब वाले कंजक्शन को आप अलग से देख लीजिए, एडजेक्टिव वाले अलग से, और नाउन वाले अलग से, इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। और अब लास्ट में, लास्ट सबसे जरूरी बात और सबसे प्रैक्टिकल बात इस वीडियो में बताई गई सभी बातों से बड़ी बात, गहरी बात, वो बात ये है कि माना कि आपको क्लोज टॉपिक पर कमांड करनी है, और कमांड तो करनी चाहिए, ग्रामर के बहुत शानदार टॉपिक्स में से एक है ये, क्योंकि ये छोटे छोटे सेंटेंस को बड़े बड़े सेंटेंस में बनाना सिखाता है। एक्चुअली यहां पर हम कह सकते हैं कि कंजक्शंस हैं और कुछ नहीं है। अब होगा क्या, आपको ये सीखना है, इस पर आपको कमांड करनी है, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो में जाओगे, उस वीडियो में जाओगे, इस बुक में जाओगे, उस टीचर के पास जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। तब तक कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इस टॉपिक को, इस क्या किसी भी टॉपिक को अपने प्रैक्टिकल यूज में नहीं ले लोगे। जिस दिन आपने क्लोज के सेंटेंस बनाना शुरू कर दिया, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस, बड़े बड़े सेंटेंस, इन कंजक्शंस का जो मैंने आपको बताया प्रयोग करते हुए, तो आपकी क्लोज पर 100% कमांड हो जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। अभी आप सोचिए, मैंने आपको कितने से एग्जाम्पल दिखाया यहाँ पे, क्या इतने से एग्जाम्पल से ये इतना बड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखना होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को खुद बनाना होगा, तब जाकर आपके अंदर खुद से ही अंदर से एक समझ आएगी, आप क्लोज को तुरंत ही कैच कर सकते हो, ये वाला वो क्लोज है, ये वाला वो क्लोज है, ये वाला वो क्लोज है, ठीक है। ये सबसे लास्ट बात थी। तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से एक प्रयास किया था कि आपको क्लोज के बारे में थोड़ी समझ बने, आप थोड़ा सीखो, ठीक है। अभी भी अगर कसर रह गई हो तो कसर किस चीज़ से पूरी होगी, मैंने आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका और कोई डाउट है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा या आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।